हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग शुरू करेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसका पार्ट फोर है फायर एंड लाइफ सेफ्टी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज रहेगा वो नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में जो एक ओवरव्यू बताएगा, और आपको जो भी फायर सेफ्टी और लेटेस्ट चेंजेस जो हुए हैं नेशनल बिल्डिंग कोड में, उसके बारे में आपको ये जानकारी देगा। तो इसमें जो कंटेंट है, ओवरव्यू हम लोगों को पढ़ना है, स्कोप, टर्मिनोलॉजी, फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन और एडिशनल ऑक्यूपेंसी वाइज रिक्वायरमेंट्स, जो और कुछ एनेक्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू हम लोग देखते हैं एनबीसी का। एनबीसी जो आता है वो प्लानिंग कमीशन के अंदर आता है, और इसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो इनके क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो मानक होते हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसमें मेजर रिवीजन जो हुआ है नेशनल बिल्डिंग कोड में, नेशनल बिल्डिंग कोड में जो मेजर रिवीजन हुए हैं वो हुए 1983 में, 1977 में, 2005 में और 2016 में मेजर रिवीजन हुआ है। जो हम लोग अभी पढ़ेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, और उसमें स्पेसिफाइड हम पार्ट फोर को पढ़ेंगे फायर एंड लाइफ सेफ्टी के बारे में। तो ये जो पार्ट फोर होगा वो आपका हमारा टैकल करेगा जो भी प्रॉब्लम्स है इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि व्हाई रिवीजन ऑफ एनबीसी 2016 इज रिक्वायर्ड। तो हमारा जो बिल्डिंग्स है उसमें जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इनोवेशन होना चाहिए इस क्षेत्र में, इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे एनबीसी 2016 जो आया, रिवीजन आया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज स्प्रेडिंग विंग्स बोथ हॉरिजेंटली लाइक मल्टी कॉम्प्लेक्सेस एंड वर्टिकली अपवर्ड इवन अप टू हाइट ऑफ 200 मीटर टू एकोमोडेट मोर हैबिटेट। तो मतलब जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे बन रहे थे 200 मीटर्स के, ताकि कम स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग एकोमोडेट हो सके। तो और न्यू टेक्नोलॉजी आए बिल्डिंग्स मटेरियल्स में, बिल्डिंग्स इनोवेशन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इसलिए एनबीसी 2016 का यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, मेजर रिविजन्स हुए। नेशनल बिल्डिंग कोड का जो पार्ट फोर है फायर एंड लाइफ सेफ्टी, वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जो प्रोविजन है इसका वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो जैसे आप बिल्डिंग बना रहे, एक छोटा सा घर बना रहे, आप अपना प्रश्न, तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये चीज़ें, आपको ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये चीज़ें आपको समझना होगा। जो भी ऑल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ऑल हाई राइज बिल्डिंग्स क्या होंगे ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे कि हाई राइज बिल्डिंग्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑल जो हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं उसका जो कट ऑफ होता है वो 15 मीटर होता है, 15 मीटर से अबव होता है, तो वो हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं। स्पेशल बिल्डिंग्स, जो स्पेशल बिल्डिंग है जैसे होटल हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस, ये सब चीज़ों के लिए जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, और उसका फ्लोर एरिया 500 मीटर स्क्वायर से अधिक होता है, तो या 500 मीटर स्क्वायर से अधिक होता है तो उस केसेस में ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। और एजुकेशनल बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ये दोनों के लिए अगर 9 मीटर से अभव है तो उस केसेस में ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। जो भी असेंबली बिल्डिंग है जहाँ पे सभाएं होती है, उस तरह से ये जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे तो डेफिनेटली ये अप्लाई होगा। और जो बिल्डिंग्स है जहाँ पे असेंबली ऑक्यूपेंसी होते हैं, जो कि उसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, वहाँ पे भी अप्लाई होंगे। और बिल्डिंग्स ऑफ टू बेसमेंट और मोर, मीन्स बेसमेंट है दो या उससे अधिक है, या एक ही बेसमेंट है और उसका एरिया मोर देन 500 मीटर स्क्वायर है बेसमेंट में, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें अप्लाई करना होगा, फायर एंड लाइफ सेफ्टी का जो प्रोविजन है ये चीज़ें अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, फायर एंड लाइफ सेफ्टी में जो भी टर्म यूज होंगे वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो असिस्टेड इवैक्यूएशन क्या होता है, जैसे कोई जो मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग में आग लग जाता है, तो उस समय इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए जो भी गाइडलाइंस होते हैं, जैसे
कहीं पे आप देखे होंगे कि एग्जिट का वो लिखा रहता है, सिंबल रहता है। इस तरह से जो गाइडलाइंस होते हैं ताकि वो फाइनल प्लेस ऑफ सेफ्टी पे पहुंच सके, इसके लिए जो गाइडलाइंस होते हैं इमरजेंसी केसेस में, उसको असिस्टेड इवैक्यूएशन कहते हैं। ओके, एट्रियम। एट्रियम क्या होता है? एक लार्ज वॉल्यूम स्पेसेस होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, जैसे फ्लोर ओपनिंग में, जैसे दो तीन और टू और मोर स्टोरी में, इसकी दो तीन छत को छोड़कर साथ में एक खुला स्पेस छोड़ा जाता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, फिगर से आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें कहा जाता है एट्रियम को। इसमें जो स्पेस होते हैं वो स्पेस, जैसे एक्सलेटर होते हैं उसके ऊपर में भी जगह होते हैं, खुले होते हैं एक्सलेटर, ऐसा नहीं कि ऊपर से क्लोज कर दिया जाता है। तो एक्सलेटर जो है वहाँ वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे ओपनिंग एयर कंडीशनिंग हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के लिए कोई भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी वो एट्रिम के वो दायरे में नहीं आएगा। वो जो इसके छोड़कर जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो स्पेस है जो आप राउंड देख रहे हैं वो एट्रिम है, वो ओपन स्पेस है। इसमें दो तीन चार छः जो भी फ्लोर्स हैं वो सारे ओपन हैं ऊपर तक, तो ये एट्रिम है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। ये चीज़ें क्या होता है, जैसे कोई भी अर्ली स्टेज में कोई भी फायर का डिटेक्शन होता है तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है अलार्म के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ओके, ये जो फिगर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड करता है, जैसे कोई फायर होता है तो मैनुअली इसको ऑपरेट करके इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इसके द्वारा। ये भी चीज़ें ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम में आता है, जो कि यहाँ पे पार्ट 4 में मेंशन है कि जो सिस्टम है मैनुअली ऑपरेटेड भी रहेगा। जैसे कोई फायर को अगर पता चलता है किसी, जैसे कोई गार्ड को या इवन कोई पर्सन को, तो वहाँ पे वो मैनुअली ऑपरेट करके ये सारे लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। ओके, लोग जो वहाँ रहते हैं, जो भी बिल्डिंग्स में काम करते हैं, उनको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होता है, ताकि वो वहाँ पे मैनुअली ऑपरेट करके सबको इन्फॉर्मेशन दे सके। जो नेक्स्ट हमारा कॉमन पाथ ट्रैवल, कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल जो है उसको समझते हैं हम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फिगर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग में आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ से आपको जाना है, एग्जिट करना है बाहर की ओर, जैसे यहाँ पे एग्जिट है। ओके, तो आप यहाँ पे जाने के लिए, और ये एक एग्जिट है। ओके, यहाँ पे या यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से, तो आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से यहाँ आने के लिए या तो आप पहले यहाँ पहुँचिएगा, और यहाँ से आप या तो यहाँ मूव कीजिएगा या तो यहाँ मूव कीजिएगा, लेकिन इससे पहले आपका जो मूवमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही पाथ है जो आप यहाँ से यहाँ आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद ही आपको दो डायरेक्शन मिलेगा, तो जो दो डायरेक्शन है उससे पहले जो कॉमन पाथ है, मीन्स ये पाथ एक सिंगल पाथ है, आपको यही फॉलो करके ही आप बाहर निकल सकते हैं, तो ये एक पाथ कॉमन पाथ है, कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ पे आने के बाद ही आप यहाँ मूव कर सकते हैं या आगे जा सकते हैं, यहाँ पे दो डायरेक्शन होता है, तो इससे पहले का जो भी पाथ होगा वो कॉमन पाथ ऑफ ट्रैवल होगा। नेक्स्ट जो है हमारा प्लिंच लेवल। प्लिंच लेवल क्या होता है? जो आपका स्ट्रक्चर है, आप स्टार्ट करते हैं जो भी अपना बिल्डिंग्स का मेन जो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, वहाँ जो लेवल होता है वो प्लिंच लेवल होता है, और उसके नीचे जो भी चीज़ें होती है, जैसे आप नीचे ज़मीन के अंदर कुछ वर्क करते हैं मजबूती के लिए, तो वो सब प्लिंच लेवल नहीं होता, उसके ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर शुरू होता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो आपका बेस है, बेस तैयार किए हैं, उस फाउंडेशन है आपका, उसके बाद ये आपका प्लिंच है जो कि आपका सीढ़ी आता है, उसमें स्टेयर्स होते हैं जो कि फ्लोर्स पे चढ़ने के लिए, उसके वो जो लेवल होते हैं वो जो यहाँ से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा वो प्लिंच लेवल होगा। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। फिर जैसे ये लिंटल होते हैं जो कि आपका जो भी डोर्स होते हैं, विंडो होते हैं, उसके ऊपर दिया जाता है, उसके ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर का स्लैब रहता है, जैसा कि आप जानते हैं। कवर्ड एरिया क्या होता है? जो भी ग्राउंड एरिया के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, ओके, बिल्डिंग्स होते हैं वो कवर्ड एरिया होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये जो एरिया है, जैसे बिल्ड जो फ्लैट्स हैं ये यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन
यहाँ पे खाली स्पेसेस है, यहाँ पे भी खाली स्पेसेस, लेकिन बिल्डिंग जो आपका है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बना हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग्स के जो एरिया है, ये कवर्ड एरिया में आएगा। और कवर्ड एरिया के जो, जैसे मान लेते कोई गार्डन है, कोई वेल है, या कोई स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल जो अनकवर्ड है, वो चीज़ें आएंगे जो, अगर वो इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे ड्रेनेज है, कोई पंप हाउस है, बिल्डिंग्स में पंप हाउस होते हैं, वॉचमैन का बूथ होता है, वो सब चीज़ें ये कवर्ड एरिया में नहीं आएंगे। केबिन है, कोई भी यूटिलिटी के लिए, जो सर्विसेज के लिए अगर कोई केबिन्स है, तो वो सब इंक्लूड नहीं होता है कवर्ड एरिया में। कवर्ड एरिया में जो मेनली जो आपका जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है बिल्डिंग्स, वो चीज़ें आता है। इसमें ड्रेनेज, पंप हाउस, जो भी स्विमिंग पूल्स हैं, वेल है, गार्डन है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट जो हमारा है डाउन कमर। डाउन कमर क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है फायर फाइटिंग के लिए। विद इन द बिल्डिंग हैविंग मीन्स नॉट लेस देन 100 mm इंटरनल डाया। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये आपका डाउन कमर का सिस्टम है। डाउन कमर में जो भी बिल्डिंग्स होंगे, वो बिल्डिंग्स में जो डायमीटर होंगे जो पाइप के, वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए इंटरनल डाया। और आपका ये जो बिल्डिंग्स है, वो आपका कनेक्ट होगा, आपको इसके बारे में हम समझा देते हैं। ये क्या होता है, जैसे ऊपर में आपका जो बिल्डिंग्स का जो टैंक लगे होते हैं, उस पे ये, उससे ये कनेक्ट होता है। और ये यहाँ पे आपका एक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके यहाँ पे, ये हर बिल्डिंग्स के हर फ्लोर पे ओपनिंग होते हैं। हर फ्लोर पे ओपनिंग होते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ें को ओपन करके वाटर का यूज किया जा सकता है फायर सेफ्टी के लिए। आग लग जाता है बिल्डिंग्स में, तो उस समय ये चीज़ें यूज किया जाता है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि 100 mm से इंटरनल डाया कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होगा। हर केसेस के लिए अलग अलग होगा। बिल्डिंग्स का अगर फ्लोर हाइट बढ़ता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंटरनल डाया बढ़ेगा। ये आप ओवरव्यू समझ सकते हैं, ये क्या है डाउन कॉमर। उसके बाद ड्राई राइजर के बारे में देखते हैं। ड्राई राइजर जो होता है, वो होता है एक अरेंजमेंट होता है। जैसे डाउन कॉमर में क्या होता है, बिल्डिंग के ऊपर जो आपका जो छत पे लगा हुआ है टैंक, वहाँ से पानी नीचे हर फ्लोर पे आता है ग्रेविटी के कारण, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स भी लगे रहते हैं, उसके कारण ये हर बिल्डिंग्स के फ्लोर पे आता है। फिर स्प्रिंकल्स लगे रहते हैं, वो सब आगे की चीज़ें। डाउन कमर आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ड्राई राइजर क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है जो कि पंपिंग सिस्टम होता है। जैसे कोई जो फायर की गाड़ियाँ होती है, उसमें जो पंपिंग सिस्टम के द्वारा आपके बिल्डिंग्स के अंदर पानी को भेजा जाता है, या जो भी उसके जो भी चीज़ें होती है फायर फाइटिंग के लिए, वो भेजा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये क्या होता है, जैसे फायर अप्लायंसेस हैं, उससे कनेक्ट करके इसमें, जैसे ड्राई डाउन डाउन कवर में ऊपर से आपके आपके टैंक से आता है, लेकिन यहाँ पे आपका लगा रहता है, और कोई भी इमरजेंसी के केसेस में इसमें लगा के, ड्राई राइजर में लगा कर इसमें हर फ्लोर पे भेजा जाता है ऐसे करके। हर फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे आग लग गया, उस फ्लोर पे वहाँ पे ये भेज कर इसको काम में लाया जा सकता है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि क्या होता है ड्राई राइजर। ड्राई राइजर में वाटर या आग बुझाने जो भी चीज़ें हैं, वो नीचे से ऊपर जाता है। ध्यान। और डाउन कमर में, डाउन नाम से ही पता चलता है, डाउन नीचे है की ओर आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है टर्मिनोलॉजी में, इमरजेंसी लाइटिंग। तो इमरजेंसी लाइटिंग क्या होता है कि जो भी प्रोवाइड किया जाता है, नॉर्मल लाइटिंग अगर फेल हो जाता है, तो उस समय जो लाइट प्रोवाइड किया जाता है, वो इमरजेंसी लाइट होता है। आप समझ सकते हैं इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम क्या होता है। इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी आपके जो लाइटिंग इंस्टॉल होते हैं, उसमें आपको स्टैंड बाई पावर के द्वारा, जो भी जैसे बैटरी के तौर पे आपका वो इंस्टॉल होता है, ताकि इमरजेंसी के केसेस में वो लाइट का यूज किया जा सकता है। स्केप लाइटिंग्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं स्केप लाइटिंग है। तो जो भी अगर कोई इमरजेंसी होता है, उस केसेस में क्या किया जाता है कि उस पे लाइट जला रहता है, मान लेते नाइट हो जाता है या अंधेरा है, तो इस केसेस में वहाँ पे ये लाइट आपको स्केप रूट के लिए आपको बताता है कि इमरजेंसी के
जो एस्केप रूट होता है, मतलब इंश्योर डैट द एस्केप रूट इज इल्यूमिनेटेड एट ऑल टाइम व्हेन पर्सन आर ऑन द प्रीमिसेस, मीन्स कि कोई पर्सन प्रीमिसेस में है तो वो लाइट जलते रहे, या इस तरह से इल्यूमिनेट हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट नहीं लगा हुआ बट इल्यूमिनेटेड है, और हर समय जब भी कोई पर्सन हो तो उसको ये बाहर निकलने का रास्ता वो दिखाते रहे, पता चले कि इधर से बाहर जाना है। ओके, और ये बहुत ही काम करता है जब इमरजेंसी इमरजेंसी के टाइम में, मीन्स कि कोई फायर या कोई भी तरह का इमरजेंसी हो गया तो उस समय ये बहुत ही काम करता है ये चीज़ें। ओके, क्योंकि बहुत सारे न्यू लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छे से उस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग्स में लोग हमेशा न्यू न्यू पर्सन आते रहते हैं और उनको यही सब सिंबल्स को देखकर वो बाहर निकलते हैं। इवैक्यूएशन लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट कैन बी यूज ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जो इमरजेंसी के केसेस में ये यूज किया जाता है कि सेल्फ इवैक्यूएशन, खुद से वो निकल सके। ओके, बहुत सारे लिफ्ट के तौर में आपके साइड में भी लगे रहते हैं इवैक्यूएशन लिफ्ट। आपको बस समझना है कि इवैक्यूएशन लिफ्ट क्या होता है, इमरजेंसी के केसेस में वो लिफ्ट का यूज करके आप बाहर निकल सकते हैं। एग्जिट के, एग्जिट का मतलब आप समझ सकते हैं, एग्जिट जो होता है कि जैसे कोई बिल्डिंग्स है, ओके, बिल्डिंग से अगर बाहर निकलना है तो इस तरह से एग्जिट का, यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें हैं एग्जिट का मतलब। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है फायर रेसिस्टेंस एंड फायर कंपार्टमेंट। तो फायर रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं, जैसे हर बिल्डिंग्स के बीचों बीच, ओके, बीचों बीच मीन्स कि ये जो फ्लोर है, ये जो आपका मतलब रूम्स हैं, हर रूम्स को एक फायर रेसिस्टेंस के रूप में जो वॉल होते हैं वो बनाया जाता है, ताकि अगर मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग्स इस फ्लोर पे इस मतलब कमरे में आग लगता है, तो इस कमरे में आग पहुंचने में उसको मतलब 2 से 3 घंटा, 1-2 घंटा का समय लगेगा, कुछ समय लगेगा ताकि वो लोग इवैक्यूएट कर सके उस बिल्डिंग से। ओके, तब तक फायर अप्लायंसेस आ जाएंगे, जो डाउन कॉमर्स हैं, ड्राई डाइजर्स का यूज करके इस पे काबू कर पाया जा सकता है। ओके, फायर रेसिस्टेंस जो रेटिंग होते हैं जो भी मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है तो उसमें टेस्ट किया जाता है, फर्स्ट टेस्ट डन इन अकॉर्डिंग्स विद द स्टैंडर्ड मेथड मेथड से, आपको स्टैंडर्ड मेथड से वो इसको फायर रेसिस्टेंस रेटिंग को मेजर किया जाता है कि इनका जो स्टैंडर्ड फायर एक्सपोजर जो है वो कितना है, मीन्स कि ये कितने फायर को रेसिस्टेंट कर सकता है, कितने समय तक, इसका हम लोग देखेंगे आगे। ओके, तो ये एक फायर रेसिस्टेंस रेटिंग होता है जो कि मटेरियल्स पे होता है, और वो डिटरमाइन किया जाता है कि ये कितने देर तक फायर को रेसिस्टेंस कर सकता है। फायर सेपरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस इन मीटर, ये मीटर में इसको मेजर किया जाता है फायर सेपरेशन को। तो यहाँ पे जैसे कोई एक्सटर्नल वॉल है, मीन्स कि कोई बिल्डिंग्स है और ये बिल्डिंग्स है, तो अगर इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो होगा फायर सेपरेशन, और ये मीटर में मेजर किया जाएगा। ओके, एक्सटर्नल कोई भी बिल्डिंग्स का एक्सटर्नल वॉल से दूसरे बिल्डिंग के एक्सटर्नल वॉल से ये मेजर किया जाता है, या उसी परमिशेस में अगर दो मतलब मान लेते हैं कि एक परमिशेस है, ओके, और वहाँ पे दो दो फ्लैट बने हुए हैं, ओके, एक ही प्रीमिस में दो फ्लैट बने, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी फायर सेपरेशन कहलाएगा, या ये बिल्डिंग है और अदर प्रीमिसेस में एक बिल्डिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस डिस्टेंस को फायर सेपरेशन कहा जाता है। ओके, फायर सेपरेशन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? फायर सेपरेशन सिस्टम में आपका जैसे गैस बेस्ड सिस्टम होता है और एक वाटर बेस्ड सिस्टम होता है, तो जो सिस्टम यूज किया जाता है जैसे एजेंट्स एज फायर सेपरेशन मीडिया सच एज एजेंट्स होता है, अल्टरनेट्स टू हेलोन गैसेस लिस्टेड एंड अप्रूव फॉर द यूज। जो भी गैस टाइप के होते हैं, जो हेलोन्स गैस को छोड़ के, हेलोन्स गैस को इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है आईएस, क्योंकि
इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्योंकि ये हेलोन गैस है, आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, वो हाई पोटेंशियल फॉर ओजोन डिप्लेशन। ओके, ओजोन डिप्लेशन में ये कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, इसलिए हेलोन गैस के अल्टरनेट जो गैसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है फायर सेपरेशन सिस्टम के लिए, उसको कहते हैं गैस बेस्ड सिस्टम। वाटर बेस्ड सिस्टम में आपका जो भी हाइड्रेन सिस्टम लाइक स्प्रिंकल सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, ये सब चीज़ें आते हैं वाटर बेस्ड सिस्टम में, फायर सेपरेशन सिस्टम में। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंकल्स को, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं गैस बेस्ड सिस्टम। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया ग्रोथ, मैंने यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत चीज़ें लिखी हुई है जो कि आप फिगर से आराम से समझ सकते हैं क्या होता है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है, जो भी विद इन द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ द आउटसाइड वॉल ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग्स। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स है। ओके, ये बिल्डिंग्स में आपके बालकनी होंगे, पार्किंग स्पेसेस होंगे, इनको काउंट नहीं किया जाएगा फ्लोर एरिया में। फ्लोर एरिया में आपका काउंट होगा जो आउटसाइड, ये जो बिल्डिंग्स के जो आउटसाइड जो वॉल है उसके इंटरनल जो आप ले रहे हैं, इंटरनल से लेकर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर से पेंट किया गया है, वो सारे आएंगे आपके फ्लोर एरिया में। इवन आपके जो इंटरनल बीचों बीच जो आपका इनसाइड आउटसाइड ऑफ द फ्लोर बिल्डिंग अंडर कंसिडरेशन विथ नो डेडिकेशन फॉर कॉरिडोर्स एंड पासेज वे स्टेयर। ओके, थिकनेस ऑफ इंटीरियर वॉल्स, ये इंटीरियर वॉल्स भी काउंट नहीं होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ही ये होगा। ओके, इंटीरियर वॉल्स भी इसमें काउंट नहीं होंगे, बालकनी, पासेज वे, स्टेयर्स। ओके, ये सब चीज़ें इसमें फ्लोर एरिया में काउंट नहीं होंगे। ये लिविंग रूम आप देख सकते हैं, लिविंग रूम जो आउटसाइड जो ये बिल्डिंग्स के जो आउटसाइड जो वॉल है उसके इंटरनल से लेकर आपके जो इंटरनल में जो ये सब चीज़ें, आप यहाँ पे कलर जो है वो फ्लोर एरिया है, इंटरनल इवन आपका जो वॉल है उसको भी काउंट नहीं किया जाता इसमें। ओके, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, रेशियो बिल्डिंग्स ऑफ टोटल फ्लोर एरिया। ओके, टोटल फ्लोर एरिया टू द साइज ऑफ पीस ऑफ लैंड अपॉन विच इट इज बिल्ट। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में क्या होता है फ्लोर एरिया रेशियो, जैसा कि ये देख सकते हैं ये पूरा बिल्डिंग्स है। ओके, पूरा बिल्डिंग्स का ये लैंड है। ओके, ये पूरा लैंड है और इसके 25% पे बिल्डिंग बनाया गया है, फ्लोर बनाया गया है। ओके, तो ये हो गया फ्लोर एरिया रेशियो आपका यहाँ पे 25%। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं फ्लोर एरिया रेशियो 25%। आपको ये अभी BCR आपको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होगा फ्लोर एरिया रेशियो, पूरा बिल्डिंग क्या है, पूरा बिल्डिंग के 25% पे लेकिन दो फ्लोर बनाया गया, दो फ्लोर बनाया गया, इसलिए यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशियो 50% हो गया, 25 फिर 25 50% हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोर एरिया रेशियो टोटल एरिया के 25% पे बनाया गया लेकिन यहाँ पे चार फ्लोर बना दिया गया, चार, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चार फ्लोर है तो इसके कारण इसका फ्लोर एरिया रेशियो 100% हो गया। ओके, अगर हर फ्लोर को नीचे में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये तीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और एक यहाँ पे चार, तो ये फ्लोर एरिया रेशियो 1 होगा। ओके, और यहाँ पर BCR के बारे में भी मेंशन है तो मैं BCR के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 25% ये आपका BCR है। ओके, तो मतलब कि बिल्डिंग कवरेज रेशियो, बिल्डिंग यहाँ पे कितना कवर किया हुआ है 25%। ओके, ये जो फिगर्स है ये दोनों कोई कॉम्बिनेशन है लेकिन यहाँ पे 50% जब BCR करेंगे यही चीज़ यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये बिल्डिंग को 25% ही कवर कर रहा है तो ये 50% 100% कवर नहीं करेगा। जैसे BCR यहाँ पे क्या होगा, ये 50% हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 50% और 50% FAR भी होगा। ये फिगर जो है FAR जो फ्लोर एरिया रेशियो है 50% को भी फॉलो कर रहा है और BCR को भी फॉलो कर रहा है। BCR को क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो लैंड है उसका 50% पार्ट को कवर कर रहा है। ऐसे ये भी BCR में जो बिल्डिंग्स हैं वो नीचे के जो फ्लोर्स हैं जितने कवर कर रहे हैं वो आपको BCR मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ये BCR है 50%, ये 50%, 100% ये पॉसिबल नहीं है, ये भी जितना
ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर एफएआर को 50% रख के अब बीसीआर को 100% करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बीसीआर 100%, क्योंकि पूरा जो लैंड है उस पर बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है। ओके, बीसीआर 100%। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसीआर अगर 100% हम कर दें तो क्या एफएआर 25% हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। यही चीज़ें आपको समझना है। आप यहाँ पे फिगर से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एफएआर बीसीआर कब कौन सा पॉसिबल संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग्स क्या होते हैं, जो भी बिल्डिंग्स होते हैं 15 मीटर या उससे अधिक, ध्यान में रखिएगा 15 मीटर या उससे अधिक, ओके, वो होते हैं हाई राइज बिल्डिंग। हॉरिजेंटल एग्जिट क्या होते हैं, जो अल्टरनेटिव एग्रेस फ्रॉम फ्लोर एरिया टू अनदर फ्लोर एरिया, मीन्स कि जैसे कोई बिल्डिंग्स है यहाँ से आप एग्जिट करते हैं, टिपिकली जो ये बिल्डिंग है उससे टिपिकली यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मान लेते हैं यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया या कुछ इमरजेंसी हो गया, यहाँ पे आग लग गया या कुछ भी, तो इस केसेस में आप क्या करिएगा, इस फ्लोर में एक ही फ्लोर पे दूसरे जगह से आप एग्जिट करते हैं, तो ये हॉरिजेंटल एग्जिट हुआ। ओके, अल्टरनेटिव टाइप का जो एग्जिट हुआ वो हुआ। जो एग्रेस होते हैं, मीन्स ऑफ एग्रेस मीन्स कंटिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड वे टू ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट इन ए बिल्डिंग टू ए प्लेस ऑफ कंपेरेटिव सेफ्टी। ओके, मीन्स सेफ्टी के पर्पज से अगर आप बाहर निकलते, मान लेते कोई पर्सन यहाँ पे है, मान लेते यहाँ पे है और यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा और सेफ जोन में जाएगा, तो ये जो ट्रैवल होगा यही ट्रैवल मीन्स ऑफ एग्रेस होगा, ये आप समझ सकते हैं। रूफ एग्जिट्स क्या होते हैं, जो भी एस्केप करते हैं रूफ ऑफ बिल्डिंग से, रूफ ऑफ बिल्डिंग से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है रूफ एग्जिट होता है। द एग्जिट शैल हैव एडिक्वेट कट ऑफ विद इन द बिल्डिंग फ्रॉम स्टेयर केस बिलो। जैसा कि स्टेयर केस होते हैं आपके जो सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर आपके खुले रहते हैं, ओके, क्लोज होते हैं, मीन्स ऊपर में आपके नौगोल बना के उसको क्लोज किया जाता है, लेकिन जो भी स्टेयर केस उससे ऊपर में आपका मतलब ओपन टाइप का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखते हैं, यहाँ से आप फ्लोर के माध्यम से रूफ के माध्यम से एग्जिट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, तो ये रूफ एग्जिट होते हैं। साइट प्लॉट क्या होते हैं, जो भी साइट का जो डेफिनेट बाउंड्री होता है वो साइट प्लॉट बोला है, जैसे ये बिल्डिंग्स बने हुए हैं और इसके चारों तरफ से ये बाउंड्री है तो ये साइट प्लॉट है, इसको कहेंगे, इसको साइट कहेंगे, ये टोटल साइट प्लॉट, ए पीस ऑफ लैंड इनक्लोज बाई डेफिनेट बाउंड्री, तो ये आप ये पूरा डेफिनेट एक बाउंड्री है, इससे इनक्लोज है, तो ये पूरा एक क्या कहलाएगा, ये सारे जो ये साइट कहलाएंगे। ओके, स्टैक प्रेशर क्या होता है, जो भी प्रेशर डिफरेंस होता है लाइक एक टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और उसके कारण एयर का मूवमेंट होता है विद इन ए डक्ट और चिमनी, तो उसको स्टैक प्रेशर से मतलब स्टैक प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक एयर का मूवमेंट होता है। जैसे कि आप विंटर में, जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर विंटर में, यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव प्रेशर है तो क्या होगा कि एयर बाहर की ओर जाएगा। ओके, मीन्स कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो एनवायरनमेंट के प्रेशर से अधिक है तो यहाँ से एयर बाहर निकलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्रेशर है नीचे में तो वो एयर बाहर की ओर इधर से निकलेंगे। ओके, मीन्स ऊपर से एंट्री करेंगे और यहाँ से एग्जिट करेंगे नीचे की ओर से। ओके, वेंटिलेशन क्या है, सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर इनटू और द रिमूवल ऑफ इनसाइड एयर फ्रॉम द इनक्लोज्ड स्पेस, मीन्स वेंटिलेशन का काम यही है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस केसेस में क्या होगा, वेंटिलेशन से प्रेशर बाहर एयर निकलेगा, इस केसेस में बाहर से एयर इनसाइड आएगा। ओके, वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो, तो वॉल्यूम क्या होगा बिल्डिंग्स का, वो क्यूबिक मीटर में आएगा और उसको हम डिवाइड कर देंगे ओके प्लॉट एरिया से, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो। ओके, वॉल्यूम क्या होगा बिल्डिंग का, वॉल्यूम होगा बिल्डिंग का जैसे कोई प्लॉट है उसका जो उस कितना हाइट तक वो बिल्डिंग बना हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग्स और एरिया से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा वॉल्यूम टू प्लॉट एरिया रेशियो।
जो कि मीटर में आएगा। ओके मीटर में आएगा। आज टर्मिनोलॉजी को हमने एंड किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फायर, जो भी नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।